Hello friends, welcome to a new video in our series Know Your MBA College, and today we'll be discussing about IIM Udaipur. So friends, इस वीडियो के अंदर मैं आपको IIM Udaipur जो बहुत ही फेमस कॉलेज है राजस्थान का उसकी आपको एडमिशन प्रोसेस एलिजिबिलिटी एग्जाम एक्सेप्टेड और प्लेसमेंट्स सबके बारे में बताऊंगा. सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता. लेट्स स्टार्ट. इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना. इसके अलावा प्लीज इंस्टाग्राम का पेज जरूर फॉलो कर देना, बिकॉज इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट डालते हैं जिसके अंदर आपके न्यू वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्स के अपडेट्स होते हैं, वन टू वन डाउट सेशन होते हैं, फॉर्म्स के अपडेट्स होते हैं, सब कुछ होता है. तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इसी के अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो. उसके बाद अगर फ्रेंड्स आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in. यहाँ पे जाके आपको पेन ड्राइव कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी. आप यहीं पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और विद इन 3 to 4 days ये आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी. फ्रेंड्स इसके अंदर सारे एग्जाम्स कवर्ड होते हैं, शॉर्ट कट्स एंड ट्रिक्स सब कुछ इसमें बताई गई है. बेसिक मॉडरेट और एडवांस लेवल में बनाया गया है. एन नंबर ऑफ टाइम्स आप वीडियोस को देख सकते हो टिल देयर वैलिडिटी. तो जितना भी वैलिड आपका कोर्स है, जो भी वैलिडिटी सेट है, वहां तक आप कितनी भी बार एक वीडियो को देख सकते हो. फ्रेंड्स मैं बात करूं IIM उदयपुर के बारे में, तो हम IIM उदयपुर बेसिकली सेकंड जनरेशन ऑफ IIM के अंदर आता है. बेसिकली सेकंड जनरेशन ऑफ IIM कौन से है, वो है जो 2009 या 2010 ऑनवर्ड्स बने हैं. फॉर एग्जांपल जैसे रोहतक हो गया, रांची हो गया, रायपुर हो गया, काशीपुर हो गया, ये जो सारे IIMs है, या फिर आज ये उदयपुर हो गया, ये सारे जो IIMs है बेसिकली सेकंड जनरेशन ऑफ IIMs के अंदर आते हैं. जो ये उदयपुर भी है ये भी 2011 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, तो यानी कि इसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया. ऐसा नहीं है कि एक दो साल ही हुए हो, काफी सारे साल इसको भी हो गए हैं. बहुत सारे बैचेस इसके भी पास आउट हो चुके हैं. तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इनके MBA प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं. हम ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट और PhD के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं. अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप IIM उदयपुर की वेबसाइट पर जाके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. अगर फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी वही है जो हर कॉलेज की होनी चाहिए. दैट मीन्स यू शुड बी अ ग्रेजुएट और परसुइंग योर ग्रेजुएशन. जो मिनिमम 3 years की ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट अगर आपका CGPA या SGPA जो भी आता है. अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए और कैट का एग्जाम. इसके अलावा फ्रेंड्स आपको IIM उदयपुर का कोई सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. जब आप कैट का फॉर्म भरते हो तो बस आपको IIM उदयपुर को सिलेक्ट करना है, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो IIM उदयपुर के लिए भी. अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं मिनिमम कट ऑफ की, तो फ्रेंड्स बेसिकली जो उदयपुर है ये CAP प्रोसेस के अंदर पार्ट लेता है, यानी कि कॉमन एडमिशन प्रोसेस के अंदर ये पार्ट लेता है. अब इसका क्या होता है, इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, वो आपको चैनल पे ही मिल जाएगी. तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो फ्यूचर के अंदर आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली क्या प्रोसेस क्या होता है. लेकिन फिर भी आप ये समझ लो कि उदयपुर की जो मिनिमम कट ऑफ रहती है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 95 टोटल और सेक्शनल 80, ओबीसी बच्चों के लिए सेक्शनल 60 और 70 टोटल, उसी तरह SC ST बच्चों के लिए भी जो कट ऑफ है वो आपकी स्क्रीन के सामने है. उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर जो सीट्स है वो 230 से लेके 240 के आसपास अप्रोक्सीमेट सीट्स है. तो यानी कि डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स आपको इस कॉलेज के अंदर मिल जाएंगी. इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है फ्रेंड्स, इसका एडमिशन प्रोसीजर ये है कि बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे और ओवरऑल कट ऑफ को भी मीट करेंगे. उसके बाद उनको सेकेंड राउंड के लिए बुला जाएगा. दैट इज पर्सनल अपीयरेंस प्रोसेस. पर्सनल अपीयरेंस प्रोसेस फ्रेंड्स बस इसको नाम दिया गया है, ये वैट एंड पर्सनल इंटरव्यू ही. और उसके बाद एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर निकाल के और एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के ऊपर जो लिस्ट निकलेगी एलिजिबल बच्चों की उनको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा. अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स ये फाइनल सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो एक कैट के स्कोर को, नॉट परसेंटाइल, स्कोर को 55% मार्क्स देते हैं, वैट को 6% मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू को 15% मार्क्स, डाइवर्सिटी को ये 8% मार्क्स देते हैं, और पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसमें आपकी 10, 12 ग्रेजुएशन और वर्क एक्स को मिला के ये 16% मार्क्स देते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो फी स्ट्रक्चर इसका थोड़ा हायर साइड पे है, यानी कि जो इनका MBA का फी स्ट्रक्चर दैट इज समवेयर अराउंड 16 to 17 lakh रुपीज, शायद 17 से प्लस भी हो जाए अगर फ्यूचर में फीस बढ़ती है तो. मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूं तो 2 to 3 lakh रुपीज के मिसलेनियस एक्सपेंसेस है. लेकिन फ्रेंड्स उसके कंपैरेटिवली जो एवरेज CTC है वो थोड़ा सा लोअर एंड पे है, यानी कि 17 to 20 lakh रुपीज स्पेंड करके जो आपका एवरेज CTC आ रहा है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड 13 lakh रुपीज, और जो हाईएस्ट CTC है वो है 27.5 lakh रुपीज. अगर फ्रेंड्स मैं बेसिकली बात करूं तो मैक्सिमम प्लेसमेंट्स बच्चों की कहां पे हुई है, बच्चों की मैक्सिमम प्लेसमेंट हुई है BFSI सेक्टर के अंदर, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर. उसके बाद जो मैक्सिमम बच्चे गए हैं वो गए हैं कंसल्टेंसी के अंदर, फिर IT में भी गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अच्छे खासे नंबर गए हैं,
ठीक है। तो ये बेसिकली जिस जिस सेक्टर में बच्चे गए हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने, ई कॉमर्स के अंदर भी ठीक अमाउंट ऑफ बच्चे गए, एजुकेशन में, एफएमजीजी रिटेल सेक्टर के अंदर, तो ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बेसिकली प्लेसमेंट्स हुई हैं। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं आपको सैलरी हेड्स बताऊं, तो ये जो डेटा इनके ब्रोशर से निकाला हुआ है, प्लेसमेंट ब्रोशर से, तो ये आपके सामने इनका सैलरी डेटा है, ठीक है। सो इन्होंने इसमें इन्होंने बताया कि बेसिकली कितनी सैलरी होती है, कितनी अर्निंग पोटेंशियल है, और यहीं से इसके पास का एक कोई डेटा है जो इन्होंने बोला है कि अराउंड 12 टू 13 लाख रुपीज के आसपास का एवरेज सैलरी है आईएम उदयपुर की, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आईएम उदयपुर के बारे में। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेनड्राइव कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, और आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।